वेलकम ब्रदर ब्रदर अजय मोरे, हम आपका स्वागत करते हैं। वेलकम कविता भाभी, आपका भी स्वागत करते हैं। और कोई हमारी सर्विस में आज नया है? कोई दिखता तो नहीं है, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। रेवरेंड स्टीव वेलकम यू, रेवरेंड अली और ऑल परिवार और फैमिली वी वेलकम यू। और आज सबको पता है हम तीन घर जाने वाले हैं, थ्री हाउस वी गोइंग। वन इन पेरिवल, एक पेरिवल में है, दूसरा स्टैनली एवेन्यू में है, और तीसरा हम सडबरी में जाने वाले हैं। तो बाद में मैं नाम बोलूंगा, अभी तीन है नाम। और आज एक सरप्राइज भी है हमारे बाद में, हमारे सर्विस में, वो आखिर में हम सरप्राइज बताएंगे, अभी वो सरप्राइज ही रखेंगे आप सबके लिए। तो मैं एक वचन में जाऊंगा और वचन के बाद मैं रेवरेंड अली को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें ओपनिंग प्रे में लेके जाए। लेकिन रेवरेंड अली, आई गिव वन वर्ड, आई रीड वन वर्ड, देन आई आस्क यू टू प्रे फॉर अस टू वेलकम वेलकम प्रे। सो मैं लेमेंटेस की बुक में से एक वचन पढ़ना, दो वचन पढ़ना चाहता हूँ, जो विलाप गीत की बुक है उसका तीसरा अध्याय, लेमेंटेशन तीसरा अध्याय 22 और 23 से मैं पढ़ना चाहता हूँ। हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया हमारे दया अमर है, प्रति भोर वो नहीं होती है, तेरी सच्चाई महान है। तो मैं इस वचन के द्वारा मैं आप सबको बढ़ावा देना चाहता हूँ, इंकरेज करना चाहता हूँ कि इस वचन में हमें परमेश्वर बताता है कि हम मिट नहीं गए हैं, यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। जो भी 2020 में हुआ है उसको हमें उस परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जो भी परेशानी आई, तकलीफ आई, हम मिट नहीं गए, लेकिन हम इतने भाग्यशाली हैं और हम इतने ये दिन देख सके, क्योंकि बहुत लोग इस दिन को देख नहीं सके, बहुत लोग को कठिनाई आई, बहुत लोग बीमार भी हुए, लेकिन हमारा परमेश्वर महान है। इस दिन को हमें दिखाने के लिए उसने ये हमें जीवित रखा है। तो हम इस वचन के द्वारा मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि दिस लेमेंटेशन चैप्टर 3:22 and 23, इस वचन के द्वारा इस नए साल को हम शुरू करना है। नए साल को हम कैसे शुरू करना है? तो न्यू बिगिनिंग, न्यू चैलेंजेस। मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि इस नए साल को आप न्यू चैलेंज और न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत और नई शुरुआत और नई चैलेंजेस को क्या बोलते हैं, चैलेंजेस, चैलेंज को हमको चैलेंज करना है और ये शुरुआत करना है हमें। तो आइए हम फिर एक बार आपका सबका स्वागत करता हूँ इस हमारे केरल सर्विस में। और आई आस्क टू रेवरेंड अली टू टेकिंग टू ओपनिंग प्रे। Thank you, Reverend Ali. Over to you. Thank you, Anil. Praise the Lord. Hello, everybody. Let's pray. Father God, thank you for this evening. Thank you that you are faithful. Thank you that you are a humble King. Thank you that you love us. Thank you that you always do your promises. Thank you that you never fail. And Father, as we are here today, praying and worshiping together, remembering your birth, Father, would you touch us in a special way? We pray that your spirit would fall on each of us wherever we are, and we would know you more and be filled with your power and your grace and your strength this evening. Amen. Thank you, Reverend Ali. फिर एक बार मैं आप सबको इस 2021 का नए साल की सबको मुबारक देना चाहता हूँ।
हैप्पी न्यू ईयर्स सबको, हैप्पी न्यू ईयर्स। और हम अभी अपनी सर्विस में आगे बढ़ते हैं, और हमारे जो आज तीन होस्ट है, और तीनों होस्ट का होस्ट के घर पे हम जाएंगे। तो फर्स्ट हम जाएंगे आलपटन में, हमारे विकर्स, हमारे रेवरेंड अली के घर पे हम जाएंगे स्टीव एंड दोनों बच्चों के साथ। तो हमें फर्स्ट सॉन्ग्स में लेके जाएगी रेवरेंड अली। थैंक यू रेवरेंड अली, ब्यूटीफुल सॉन्ग। हम जाएंगे दूसरे घर में, हम नीमा बेन के घर पे जाते हैं सडबरी में। तो नीमा बेन, मैं आपका स्वागत करता हूँ, और ओवर टू यू। जलोट सबको हमारे घर पे कह रहे हैं, तो वेलकम करती हूँ सबको। हम दूसरा गाना गाते हैं, तो जूना गाना है, सबको आते हैं, तो हमारे साथ सब गाना। प्रभु यीशु ये चरनी में जन्म लिया था हमारा पापों को माटे, तो हम सब एक साथ मिलकर गाना गाए। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे हुआ बलिदान, क्रूस पे हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा सुखाया दाम, सारा सुखाया दाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है पापी नदार, हम है पापी नदार, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो नाम नाम नाम, बोलो नाम नाम नाम, बोलो नाम नाम नाम, बोलो यीशु के नाम। धन्यवाद प्रभु ने। थैंक यू निमा बेन एंड फैमिली, बहुत अच्छा आपने गाना गाया और प्रभु की स्तुति करी, उनके लिए आपका धन्यवाद। और निमा बेन, हम भूले नहीं है लास्ट ईयर का, जो अभी भी हमारे मुंह में स्वाद आ रहा है वो प्रॉन्स का, तो हम वापस आते हैं प्रॉन्स खाने के लिए। और रेवरेंड अली, वी रिमेम्बर लास्ट ईयर वी ईट पनीर एंड तड़का दाल, so we come back to your house and get ready for our dinners, yeah? So hum abhi aage jayenge aur hamare jo tisra aaj host hai Paul bhai and family, Paul Gaware, Manisha ben, main aapko swagat karta hu aur aapko hand over karta hu, over to you. उसके लिए हम उसकी आराधना करेंगे और दिल से करेंगे आराधना। आपको सबको ये गाना या पता होगा, दिल से आराधना करूं मैं, और हमारे आवाज ना सुने लेकिन हम अपने दिल से और अपने मन से और सच्चाई से प्रभु की आराधना करेंगे इस गाने से। आवाज आती है? Thank you.
मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ।
Thank you, Gawara family and Mora family. बहुत दिन के बाद आप सबको एक साथ गाते हुए देखा, बहुत अच्छा लगा और इतना सुंदर गाना था और बहुत अच्छा लगा. प्रभु आप सबको आशीष करे. और बहन जी, हम आपके घर के भी वो बिरयानी हम भूले नहीं है, हमें याद है. तो हम उसके बाद आलपटन से हम ग्रीनफोर्ट जाने वाले, ग्रीनफोर्ट सडबरी जाने वाले, सडबरी से हम पेरीवाल आने वाले हैं. या पॉल भाई, आपकी बिरयानी भाई. हाँ, थैंक यू. प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि बहुत अच्छे सॉन्ग्स में सॉन्ग हमने गाए, प्रभु की आराधना की, स्तुति की. और हम आगे बढ़ते हैं, हम अभी बाइबल रीडिंग में. और आज का बाइबल रीडिंग है योहान का पुस्तक, उसमें पहला अध्याय 1-14 तक. गुजराती में निमाबेन पढ़ेंगे और इंग्लिश में रेवरेंड अली पढ़ेंगे. टुडेज रीडिंग, बाइबल रीडिंग इज टेकिंग फ्रॉम जॉन चैप्टर 1:1-14. एंड गुजराती निमाबेन निमाज रीडिंग एंड एंड इंग्लिश इज रेवरेंड अली, रेवरेंड स्टीव इज रीडिंग. या so over to you, Nima Ben. Yeah, मैं बाइबल रीडिंग करती हूँ. योहान का अध्याय पहलो भाग 1-14 कलम सुधी गुजराती में वांचू. आरे बे शब्द हतो अने शब्द ईश्वरनी संधाते हतो अने शब्द ईश्वर हतो. तेज आरंभे ईश्वरनी संधाते हतो, तेनाथी सर्व उत्पन्न थयुं, एटले जे कई थयुं छे तेना विना उत्पतन थयुं नथी. तेनामां जीवन हतुं, ते जीवन माणसोनुं अंजवाळुं हतुं. ते अंजवाळुं अंधारामां प्रकाशे छे, पण अंधाराए तेने स्वीकार्युं नहीं. ईश्वरे मोकलेलो एक माणस आव्यो, तेनुं नाम योहान हतुं. ते साक्षीने माटे आव्यो के अंजवाळा विशे ते साक्षी आपे, ए माटे के सर्व तेनाथी विश्वास करे. ते योहान तो ते अंजवाळु न हतो, पण ते अंजवाळा विशे साक्षी आपवाने ते आव्यो हतो. खरु अंजवाळु ते हतु के जे जगत मां आवीने दरेक माणसने प्रकाश आपे छे, ते जगत मां हतो अने जगत तेनाथी उत्पन्न थयुं हतुं. तो पण जगते तेने ओळख्यो नहीं, ते पोतानी पाछे आव्यो, पण पोताना लोको ए तेने अंगीकार कर्यो नहीं. पण जेटला ए तेने अंगीकार कर्यो, एटले जेटला तेना नाम पर विश्वास करे छे, तेटलाने तेने ईश्वरना छोकरा थवानो अधिकार आप्यो. तेवो लोहती नहीं के देहनी इच्छाथी नहीं के माणसनी इच्छाथी नहीं, पण ईश्वरनी इच्छाथी जन्म पाम्या. शब्द संदेह थईने આપણામાં વચ્યો અને પિતાના એકાએક જનીતી દીકરાના મહિમા જેવો તેનો મહિમા અમે જોયો. તે કૃપા તથા સત્યતાથી ભરપૂર હતો. ધન્યવાદ પ્રભુને. John chapter 1 verses 1-14. In the beginning the word already existed. The Word was with God, and the Word was God. He existed in the beginning with God. God created everything through him, and nothing was created except through him. The Word gave life to everything that was created, and his life brought light to everyone. The light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. God sent a man, John the Baptist, to tell about the light, so that everyone might believe because of his testimony. John himself was not the light. He was simply a witness to tell about the light. The one who is the true light, who gives light to everyone, was coming into the world. He came into the very world he created, but the world didn't recognize him. He came to his own people, and even they rejected him. But to all who believed him and accepted him, he gave the right to become children of God. They are reborn, not with a physical birth resulting from human passion or plan,
but a birth that comes from God. So the Word became human and made his home among us. He was full of unfailing love and faithfulness. And we have seen his glory, the glory of the Father's one and only Son. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Thank you, Nima Ben, and thank you, Steve. Thank you, readers. And हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम एक और songs लेके आ रही है Reverend Ali. तो हम फिर Alberton जाएंगे हमारे Vicar House में. So Reverend Ali, Ali, over to you. Okay, I'm gonna try. Yesu Masih, Hum Gai Hosanna. So please bear with me, okay? Yesu Masih, Tere Jaise Koi Nahi, Tere Charno Mein Junki Aasma, Aur Mahima Gaye Zameen, Yesu Masih, Tere Jaise Koi Nahi, Tere Charno Mein Junki Aasma, Aur Mahima Gaye Zameen, Hum Gaye Hosanna to Raja. Thank you, Reverend Ali. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर हमारी Reverend Ali ने गाना गाया. English होके भी इतना अच्छा हिंदी गाना गाया. हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे पास ऐसे पास्टर है, हमारे पास ऐसे विकर से. We are blessed. We have you, Ali, with us. Thank you so much. Thank you, Lord. थैंक यू जीजस. और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सर्विस में और आज का सरमन लेके आ रहे हैं सब लोग जानते हैं हमारे ब्रदर रेवरेंड अजय मोरे. तो मैं प्रभु का प्रभु के दास के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं जो भी कुछ आज मैंने जो सीखा है मैं ब्रदर अजय के पास से मैं सीखा हूँ और उसकी वजह से आज मैं इधर बैठा हूँ क्योंकि उसने मुझे इस प्रभु की पहचान कराई और मुझे इतना हेल्प किया है कि मैं
धन्यवाद करते थकूंगा नहीं, क्योंकि भाई ने जो जो सिचुएशन में मैं था, जब मैं तकलीफ में था, उस टाइम पे मेरे को इतना हेल्प किया है, और उसका मैं एक बात बताना चाहता हूँ, उसके अंदर एक बहुत खास खूबियां है कि वो वेरी हम्बल है, वो बहुत हम्बल है, और उसको आप कुछ भी बोल दो, मैंने भी कभी कभी गुस्से में बोल दिया है, लेकिन वो सुनता रहता है, और बाद में मैं रियलाइज करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरी गलती है, तो और लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे दोस्त मिले, एक भाई मिला है मुझे, और इतने सारे अच्छे परिवार मिले हैं, वी हैव अ गुड विकर्स एंड गुड फैमिली, थैंक यू फॉर दिस CFA फैमिली। और अभी मैं अपने भाई को स्वागत करता हूँ, और भाई के आने से पहले आई थिंक अजीत भाई कैन यू प्रे फॉर अजय भाई बिफोर सरमन, आइए हम प्रार्थना करते हैं सरमन में जाने से पहले। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए और इस माध्यम के द्वारा प्रभु जी हम आपके पास आके बैठ सके प्रभु जी, और हम अभी भी आपकी जन्मदिन की खुशियां जिस तरह से प्रभु जी हम मनाने में सक्षम रहे उससे हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अब आगे का जो समय है जिसमें हम आपके वचनों में जाने वाले हैं, इसके लिए प्रभु जी हम आपकी पवित्र आत्मा को हमारे बीच में आमंत्रित करते हैं। रेवरन अजय मोरे के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके सेवक के द्वारा प्रभु जी हमसे बात करो ऐसा हम मांगते हैं प्रभु जी। आज हम जो आपके जो वचन सुनने वाले हैं उस वचन में से हम हर एक कुछ न कुछ सीख के जाए प्रभु जी, और उन वचनों को हम हमारे जीवन में लेके आए ऐसा हम मांगते हैं प्रभु जी। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर अजय, थैंक यू कि आप हमें हमारी सर्विस में आए, और हमें आपके द्वारा वचन सुनना मिलेगा, क्योंकि मैं तो वेट करता रहता हूँ कि ब्रदर के मुंह से कब वचन सुनना मिले, तो वेलकम यू ब्रदर एंड ओवर टू यू। कैन यू ऑल हियर मी, आप सब सुन सकते हैं? गुड। तो मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर के कृपा से मैं आज आपके सामने हूँ, और उसकी जो दया है, भाई ने जो हमारी जो अभी तारीफ की है, एक्चुअली इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस, और हम किसी के लिए क्या करें, परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया है, इतना कुछ किया है, अपना बेटा दिया है, एंड व्हेन वी रियलाइज दैट, उसके जरिए हम सीखते हैं, हम परमेश्वर से सीखते हैं कि हम कैसे प्रेम करें। बिफोर आई गेटिंग इन टू सरमन, आई वुड लाइक टू सिंसियरली एंड वेरी सिंसियरली थैंक डियर रेवरेंड एली एंड स्टीव फॉर अलाउविंग मी टू बी हियर दिस इवनिंग एंड शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। एक्चुअली आई मस्ट टेल यू, अनिल भाई वॉज इंसिस्टिंग मी सो मच, ही लिटरली प्लेडेड मी 4 times, भाई मेरे घर में यू हैव टू प्रीच एवरी टाइम फॉर carols, you have preached me in my house, and I said, no brother, this time you have to manage, you know, and somehow I wanted to stay out, but I couldn't resist so much to Paul and Manisha, they kept requesting, until last, yesterday I was saying, no, don't call me in, but they just kept inviting, so this morning I said, okay, yes, let's do it, but I'm really thankful to all of you for your love, for your honor, and for your prayer and support, you know, because wherever I am, actually, I represent all of you, because whatever I am, I've made in St. James, I've been made, we both are there, you know, and God has built us and called us from both of us in a ministry from the church you are worshiping in. And it's such a rich and fertile ground. And I think you are really blessed to be in that ground, and use it give every effort and use every skill that God has given to you in that, and God will definitely use that and honor that in days to come. Abhi dekhiye ki ye jo Christmas ki story hai, okay? So Christmas ki story hai, hum sabko pata hai, the moment we say Christmas, hum Mary ke bare mein sochte hain, Joseph ke bare mein sochte hain, shepherds aa jate hain, bacche drama karte hain, Christmas nativity, everybody is quickly on
मेकअप एंड वो कोई शेफर्ड बनता है, कोई वाइजमैन बनता है, कोई एंजल्स बनता है, और इसी तरह हम क्रिसमस की कहानी में लोगों को इस तरह से बताते हैं. दिस इज हाउ वी ट्राई टू रिमेंबर क्रिसमस एंड कम्युनिकेट स्टोरी ऑफ क्रिसमस इन द वर्ल्ड. लेकिन अभी का जो स्क्रिप्चर जो हमने पढ़ा है, जो है कि जॉन का पहला अध्याय उसका 1-14 में, यह भी एक क्रिसमस स्टोरी है. दिस इज ऑल्सो क्रिसमस स्टोरी, बट दिस क्रिसमस स्टोरी डजंट स्टार्ट इन बेथलहम, दिस स्टार्ट्स लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत पहले इस कहानी की शुरुआत होती है. और यह कहानी बिल्कुल अलग है. देयर इज नो जोसेफ, देयर इज नो मैरी, नो शेपर्ड्स, शेपर्ड्स नहीं है यहां पे, वाइजमैन नहीं है, ना एंजल्स है, ना कुछ है. लेकिन यहां पे है, यहां पे क्रिसमस फादर भी नहीं है. लेकिन हु इज हियर, हियर इज गॉड फादर इज देयर, गॉड द फादर इज देयर, और वहां पे बेटा है. अच्छा, इस कहानी में यहां पे लिखा है कि सबसे पहले शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था, और ये जो शब्द है, ये शब्द हमारे साथ रहने के लिए आया है. 14वीं आयत में verse 14 tells us that word became flesh and dwelt among us. परमेश्वर खुद देहधारी बना और वो हमारे बीच रहने में, रहने के लिए आ गया. देखिए, हम सब हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं, हम इंडियन कल्चर से आते हैं, हमें हिंदुस्तानी कल्चर का पता है. और जब हम हिंदुस्तानी जो है, हम सब अवतार जो होता है उसके ऊपर विश्वास रखते हैं. हम अवतार बोलते हैं, खुदा ने अवतार लिया है, और हम हमारी संस्कृति में ये मानते हैं, ये जानते हैं कि जब बुराई बहुत बढ़ जाती है, when the sins are too much, when communities are corrupted, when the world is full of sin, then God incarnates and destroys the evil people. Okay, that's what we in Indian avatara we believe. कि यहाँ पे एक व्यक्ति अवतार लेके आ जाता है, और फिर जो राक्षस है, यू नो, जो इविल है, जो पर्सन इविल पर्सन है, उसको क्या करता है कि वो खत्म कर देता है. लेकिन हमारी जो कहानी है वो भी अवतार है, उसमें भी अवतार है. यहां पे परमेश्वर ने अवतार लेके, ये बताया गया है कि वो अवतार लेके हमारा देह धारण करके इस दुनिया में आया है. लेकिन हमारे कल्चर में यह बताया गया है कि हर बार अवतार आता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि अवतार एक ही बार आता है, और यह अवतार एक ऐसा विशिष्ट अवतार है कि यह आता है अवतार लेके, और यह राक्षस को नहीं मारता है, यह बुरे लोगों को नहीं मारता है. ही डजंट किल बैड पीपल, बट ही किल्स एविल इटसेल्फ. ये क्या करता है, राक्षस को नहीं मारता है, लेकिन जो जो बुराई है उसको ही वो क्या करता है, खत्म कर देता है. पौलुस हमें बताता है कि प्रभु यीशु जब वधस्तंभ पे थे, तो उसने क्या किया, जो हमारा दुश्मन था, जो जो मृत्यु जो हमारा दुश्मन है, जो बुराई, जो शैतान जो हमारा दुश्मन है, उसको खत्म कर दिया है. और एक ऐसा अवतार है क्रिसमस की स्टोरी में कि जो देहधारी बन के आता है और एक ही बार आता है, और उससे आके वो हमें बुराई से छुटकारा देता है. हम हमेशा जब सोचते हैं कि जब हम बुराई को सोचते हैं तो हम दूसरों को देखते हैं, हमेशा है ना, हम दूसरों की बुराई देखते रहते हैं, है ना, हमेशा हम जब सोचते हैं किसी और की तरफ तो हमको दूसरों की बुराइयां दिखती है. लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको अपनी खुद की बुराइयां दिखती है. हाउ मेनी टाइम्स वी हैव स्टूड इन फ्रंट ऑफ मिरर और सोचे कि यार मैं यहाँ पे गलत किया था, एंड आई डिड रॉन्ग हियर, आई डिड रॉन्ग देयर. ऐसे बहुत कम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं और ऐसा सोचते हैं. हर एक को कुछ लगता है कि यार मैं सही था, ये गलत था, मैं सही थी, इसने गलत मेरे को कहा, इसने ऐसे कहा, उसने वैसे कहा.
लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि हम सब में बुराइयां है। हम भले बुरे आदमी या बुरी औरत नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ बुराइयां हम सब में होती है। लेकिन क्रिसमस हमारे लिए गुड न्यूज है, क्योंकि वो जो बुराइयां है हमारे जीवन में, उसको खत्म करने के लिए प्रभु आए हैं, ना बल्कि हमको खत्म करने के लिए। और यह अवतार ऐसा एक सुंदर अवतार है जो हमारे लिए, हमें बचाने के लिए आता है और जो दुष्टता है उसको खत्म करता है। देखिए जो कहानी है जो पवित्र शास्त्र में लिखी है, द बिगिनिंग व्हाट यू इन द बुक ऑफ जेनेसिस वी रीड अबाउट एडम एंड ईव, यहां पे लिखा है कि प्रभु उनके साथ फेलोशिप रखते थे, गॉड यूज्ड टू हैव फेलोशिप विद देम, लेकिन उन्होंने पाप किया और उनके जीवन में मृत्यु आ गया और खुदा ने कहा कि उनको कि मैं तुम्हें इस गार्डन से बाहर निकाल देता हूं। लेकिन जब खुदा ने उसको, इंसान को बाहर निकाला, तो तभी खुदा भी खुद हमारे साथ उस गार्डन से बाहर आए। और यही क्रिसमस स्टोरी है कि हमारा खुदा वहां पे आसमान में बैठा नहीं, उसने देखा कि जिसको मैंने बाहर निकाला है उसको मैं कैसे अंदर लेके आऊं। बाइबल टेल्स अस गॉड इज जस्टिस, गॉड इज जस्ट एंड गॉड इज ऑल्सो लव। तो खुदा ने हमें बाहर निकाल के अपना जस्टिस दिखाया और हमारे लिए अवतार बन के अपना लव, अपना प्यार उसने हमें दिया है। इन क्रिसमस वी सी दैट गॉड इज जस्ट एंड ऑल्सो वी सी दैट गॉड इज लव। यू नो गॉड punishes the evil and he punishes that evil within himself by saving us. So, खुदा ने हमें इस तरह से इस क्रिसमस की स्टोरी में अपने लोगों को बचाया है। लेकिन एक ट्रेजेडी हो गई, there is one problem, there is one sad reality in this reading, and verse 11 में यहां पे लिखा है, what verse 11 in the today's reading हमको क्या बताती है कि he came to his own and his own did not receive him। वो अपने लोगों के लिए आया, अपने लोगों के पास आ गया, लेकिन अपनों ने उसका स्वीकार नहीं किया। और ये बहुत चिंताजनक बात है क्रिसमस के स्टोरी में। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन क्रिसमस स्टोरी व्हेन वी सेलिब्रेट। वी डू सेलिब्रेट क्रिसमस स्टोरी, लेकिन यहां पे बताया गया है कि ही केम, लेकिन उसको अपने लोगों ने यहां पे स्वीकार किया नहीं है। यहां पे हमें बताया गया है कि जब जोसेफ और मरियम चले गए नाम ऋषि देने के लिए, नाम निकलाने के लिए, तो हमें यह बताया गया है कि एवरी डोर वॉज शट एंड देयर वाज नो प्लेस। हमें जब हम ड्रामा करते हैं तो हम बताते हैं मेरी और जोसेफ आए और उनको बताया नहीं 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 आप यहाँ नहीं, उधर चले जाओ, यहाँ नहीं जगह उधर चले जाओ, ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। लेकिन ये लिखा है कि जो धर्मशाला थी उसमें उसको जगह नहीं थी। देखो पैलेस्टाइन एक ऐसा कल्चर है जो हिंदुस्तान के कल्चर से काफी काफी मिलता जुलता है। इट्स वेरी मच देयर आर ग्रेट सिमिलैरिटीज बिटवीन मिडिल ईस्ट कल्चर एंड इंडियन कल्चर। तो पैलेस्टाइन का कल्चर था कि जहां पे द गेस्ट वॉज वेल ऑनर्ड, जहां पे हमें संस्कृत में यह बताया गया है कि अतिथि देवा भवो, ओके, अतिथि देवा भवो, मतलब जो अतिथि हमारे दरवाजे पे आता है वो परमेश्वर का अवतार होता है, ऐसे हमें बताया गया है। और ये पैलेस्टीन कल्चर वही था। यहां पे जो गेस्ट हाउस है उसको ग्रीक में कटलुमा ऐसा कहा गया है। ये कटलुमा जो होता था, जो गेस्ट हाउस होता था, उसके ऊपर लोग सोते थे और नीचे जानवर रहते थे। यहाँ पे बताया गया है कि ऊपर जगह नहीं थी इसलिए उसको नीचे जगह दी गई और फिर उन लोगों ने उसका स्वागत किया, वहां पे प्रभु यीशु का जन्म हो गया। और जैसे प्रभु का जन्म हो गया वहां पे शेपर्ड्स आ गए, वाइज मैन भी बाद में आ गए, और इन सब ने परमेश्वर का क्या किया, स्वीकार किया और परमेश्वर का वेलकम किया। लेकिन एक्चुअली एक प्रॉब्लम यहां थी कि यहां पे जो रिलीजियस लीडर्स
क्यों, और जो धार्मिक जो पुढ़ारी है, जो लीडर्स है, वहां पे कोई नहीं था. इट इज शॉकिंग, इजंट इट? क्रिसमस की स्टोरी है, खुदा खुद आ रहा है इनकार्नेट होके, और एक भी चर्च का मेंबर नहीं उधर, जो टेंपल्स में, सिनेगॉग्स में दिन रात प्रभु की प्रार्थना करते रहते हैं, प्रेज एंड वर्शिप करते रहते थे, सब 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 ये ऑफरिंग, थैंक्स ऑफरिंग, वो ऑफरिंग, दिस ऑफरिंग, दैट ऑफरिंग, ये सब इतने बिजी रहते थे. लेकिन जब खुद खुदा इस दुनिया में आया, वहां पे कौन था? एक भी फरीसी नहीं था, एक भी याजक नहीं था, एक भी सदूकी नहीं था, कोई वहां पे नहीं था. वहां पे कौन थे? वहां पे थे चरवाहे, एक गरीब शेपर्ड्स, पोर शेपर्ड्स. उन्होंने उसका स्वागत किया. और ये एक बहुत एक्चुअली मिस्ट्री है खुदा की. ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? खुदा खुद आता है, और जो खुदा की इबादत करते हैं, जो खुदा के नाम को दिन रात पूजते हैं, उनमें से एक भी आदमी वहां पे नहीं था. मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आपको बड़ा सरमन नहीं देने वाला. What I want to tell you that what has happened here in this Christmas story, there is a, yes, there is a joy, yes, there is a, all that God has done, but one, you know, tragedy has happened is that, and wo tragedy kya hai, ki all those religious leaders could not recognize that he has come in the world, and they were not there to receive him, hai na? To dekhiye, ek bahut badi baat hai ye. You know, I have been interacting with you for a long, long time. आप सब हम लोग परमेश्वर को भजने वाले, पूजने वाले लोग हैं. हम गाना गाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं चर्चों में. लेकिन एक बात, ये कहानी हमें एक धोखे की घंटा एक भजा देती है, क्योंकि ये बताती है कि जो लोग चर्च में बिजी रहते हैं, वो कभी कभी प्रभु के आने को मिस करते हैं. प्रभु कब आया, कब चला गया, उनको पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो सब बिजी है सिंगिंग में, कैरल सिंगिंग में, म्यूजिक करने में, प्रीचिंग करने में. एंड दिस ऑल वाज हैपनिंग इन द टेंपल एट दैट टाइम, बट गॉड डिडंट रियली कम, गॉड वाज समवेयर एल्स. और जो उसको ढूंढ रहे थे, द वाइज मैन, उन्होंने तारा देखा, और उस तारे को देख के उन्होंने क्या किया, प्रभु को ढूंढ निकाला. मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आपको यही एक चेतावनी देने आया हूं कि हम बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा है प्रभु को भजना है, प्रभु को पूजना है, हमें प्रभु का वचन बताना है, ये करना है, वो करना है, सब ठीक है. लेकिन क्या हमने परमेश्वर को, उस प्रभु को, उस बच्चे को हमारे जीवन में स्वीकार किया है या नहीं किया है? क्योंकि उस वक्त भी जब प्रभु इस दुनिया में आए, बाइबल साफ कहती है कि उसके लोगों ने उसका स्वीकार नहीं किया. और जो भजने वाले, पूजने वाले, वो तो अलग रह गए, और खुदा कहीं और चला गया. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये 2021 के साल में, कि हमें हमारा जीवन का परीक्षण करना है, हमारे अपने मंडली का परीक्षण करना है, कि क्या हम इस भजन पूजन में इतने मगन हो गए हैं कि प्रभु कहाँ है, वो हमारे दिल में है या नहीं, ये हमको पता है या नहीं, इसका पता नहीं. The challenge of this story that John tells us is that that incarnation that God took and came, वो आज भी हमारे जीवन में उसी तरह पैदा होना चाहता है. उसी तरह वो जब पहली रात क्रिसमस की वो वहां पे आया था, उसी तरह आज भी वो हर एक जीवन में पैदा होना चाहता है. और कई बार मसीह हम जो है, जो क्रिश्चियन घराने में पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, हमको लगता है कि हाँ प्रभु ऑटोमेटिकली हमारे साथ है, हम उसके नाम तो ले रहे हैं, घर में फोटो लगी है, क्रॉस घर में लगा है, वो तो होगा ही, है ना. हम इतना गाते हैं, इतना भजन करते हैं, इतने बड़े बड़े काम करते हैं खुदा के, वो तो घर में होगा ही. बट सैड स्टोरी ऑफ ये उस वक्त ये थी
कि गॉड डिडंट कम इनटू सिनेगॉग और एनी टेंपल, ही वाज समवेयर एल्स, समवेयर एल्स. द चैलेंज फॉर यू एंड मी इज टू फाइंड हिम वेयर ही इज एंड टू रिसीव हिम इन आवर हार्ट. प्रभु को देखना है. ये अच्छी बात है कि हम इकट्ठा होते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु की वचन को सुनते हैं, लेकिन प्रभु को हमें ढूंढना पड़ेगा, अपने जीवन में झांकना पड़ेगा, हमारे जीवन में देखना पड़ेगा कि क्या वो प्रभु, क्या वो बेटा मेरे दिल में है, क्या वो मेरे जीवन में पैदा हुआ है. अगर वो आपके जीवन में पैदा हुआ है तो आपका जीवन बदल जाएगा, आप अलग पर्सन हो जाएंगे. यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन, नॉट इमीडिएटली बट स्लोली स्लोली. देयर शुड बी सम चेंज, हैज टू बी देयर, सम चेंज हैज टू बी देयर, लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल. यू नो, आपको लोगों ने बताना चाहिए कि नहीं, अरे भाई ये अनिल भाई था 10 साल पहले, ये आज अलग दिख रहा है कुछ तो. वो निमा बहन है, वो अलग रख ली, पहले ऐसे नहीं थी. यू नो, ये होता है जब प्रभु हमारे जीवन में आता है और हमारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है. मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको विनती करता हूँ, आपको निमंत्रण देता हूँ इस खुशी के मौके पर. गाना बजाना तो हमने बहुत किया है, हम बहुत अच्छा गाते हैं, हम बहुत अच्छा परशिश करते हैं, लेकिन इसके बीच हमें थोड़ा रुकना है और देखना है कि क्या वो मसीह कहीं और तो नहीं चला गया जिसका मैं गीत गा रहा हूँ, क्या वो मेरे दिल में है. अगर नहीं है तो हमारा दिल उसको खोलना है और उसको अंदर लेना है. मैं आपके लिए बस यही प्रार्थना करता हूँ कि जो मसीह क्रिसमस के दिन पैदा हुआ था, आज वो तुम्हारे और मेरे जीवन में भी पैदा हो. उसको वहां जगह नहीं मिली थी, लेकिन क्या आज तुम्हारे और मेरे दिल में उसके लिए जगह है या नहीं, ये आपको बेहतर पता है और मुझको बेहतर पता है. प्रभु करे और इस क्रिसमस के सीजन में वो जो बेटा पैदा हुआ था उसके लिए आपके दिलों में, आपके घरों में उसके जगह मिले. मे गॉड ब्लेस यू एंड यूज यू एंड मे दैट चाइल्ड दैट वाज बोर्न ऑन क्रिसमस डे मे फाइंड प्लेस इन योर हार्ट एंड मे बी रिसीव्ड एंड वेलकम्ड बाय ईच वन ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू एंड यूज यू अमेजिंगली फॉर हिज किंगडम एंड फॉर हिज ग्लोरी. गॉड ब्लेस यू ऑल. Thank you once again very much and God bless you. Thank you Ajay bhai. Beautiful sermon. और कभी हमने सोचा नहीं था कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने सोचा नहीं था कि योहान के पहले अध्याय में भी हम क्रिसमस का मैसेज देख सकते हैं. यीशु का जो खुदा ने अपना बेटा दिया था और जो आपने जो 11वां वचन में से बोला कि खुदा हमारे बीच में आ गया लेकिन हमने उसको पहचाना नहीं, तो बहुत अच्छा मैसेज था और आपने बहुत अच्छी सीख दी हमने कि खास करके मैं अपने जीवन में ये लेना चाहता हूँ कि क्या मैं भी. भाई आपका धन्यवाद करता हूँ कि ये जो आपने बताया कि क्योंकि मैं भी गाना गाता हूँ, मैं भी लोगों के पास जाता हूँ, लेकिन हमें भी देखना है कि प्रभु हमारे जीवन में है कि नहीं है. तो ये बहुत अच्छा आपने हमें एक लेसन दिया है और हमें देखना है कि हमारे जीवन में क्या प्रभु हमारे जीवन में है कि नहीं है. तो थैंक यू वेरी मच रेवरेंड अजय मोरे, थैंक यू कि आपने हमें इतना अच्छा मैसेज दिया और इतना अच्छा सरमन हमें समझाया. थैंक यू वेरी मच अगेन वंस अगेन. और हम अभी आगे बढ़ेंगे और आगे हम जाएंगे इंटरसेशन प्रे में. और इंटरसेशन प्रे में मैं तृप्ति भाभी को इनवाइट करूंगा. सॉरी तृप्ति इज नॉट अवेलेबल, एक्चुअली ब्लेसन इज नॉट लेटिंग हर गो, सो आई विल डू इट. ओके अजीत भाई, आप थोड़ा कागज और पेन रखना, अगर कोई रिक्वेस्ट आई तो लिख लेना. थैंक यू. तो हम अभी इंटरसेशन में इंटरसेशन के प्रेम में जाएंगे और मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ कि इंटरसेशन में हम सब साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे. लेकिन अगर किसी की जरूरत है,
कोई प्रार्थना करनी है तो अपना हाथ ऊपर करें, हम उनके लिए दुआ करेंगे। आप बताओ किसके लिए दुआ करनी है, तो किसी को दुआ की जरूरत है? हाँ जी, किया सिस्टर। मेरे डैडी का कल बर्थडे था, 1 जनवरी न्यू ईयर के दिन में, तो उनके लिए थोड़ा याद रखना। हेल्थ के लिए स्पेशली, ही इज फाइन, ही इज गॉट हार्ट प्रॉब्लम्स बट ही इज फाइन, पर प्रभु उनको हमेशा संभाल के रखे, इसलिए दुआ करना। थैंक यू। बहन, डैडी का नाम क्या है? राणा। राणा, या ओके। अंकल राणा के लिए हम प्रार्थना करेंगे उनके जन्मदिन के लिए। और कोई किसी को दुआ की जरूरत है? वैशाली बहन, मैं पिकू का बर्थडे है 8th of January फ्राइडे को, ये आते फ्राइडे को, के लिए जरूर दुआ में याद रखिए। भाई पिकू का लिख देना, पिकू का 8 को बर्थडे है। और कोई किसी को दुआ की जरूरत है? भाई हाँ। सिस्टर का 6 को है बर्थडे। 6 को मनीषा सिस्टर का। मनीषा बहन का भी 6 को बर्थडे है। 6 ओके। 6 और पिकू का 8 को, या काफी बर्थडे है इस वीक में। और कोई? सुनील भाई, और मेरा आज है बर्थडे। हाँ भाई, आपका बर्थडे तो हमें पता लिख लिया है भाई। और इसका भी गया ना अपने जोएल भाई का, गया जोएल भाई या 31st जोएल का भाई, आप लिख देना जरा, उनको भी दुआ में याद रखना, सुनील भाई का भी। और कोई किसी को दुआ की जरूरत है? गायत्री बहन की ननंद के लिए, क्या नाम है उसका? दर्शना। दर्शना बहन शू थे जारे पन कामे जाने तो एने उल्टी ने वो उल्टी ने शक्कर बहुत थाय जारे कामे जावानु तो वही त्यारे। ओके, दर्शना बहन माटे प्रार्थना करजो, उल्टी वोमिट एंड डिजीनेस चक्कर आवे छे नाउ ने। थैंक यू। ओके वेलकम। अनिल भाई हमारे लिए भी दुआ करना कि हमारे मिनिस्ट्री के लिए और हस्बैंड एंड वाइफ फैमिली के लिए भी हमारे दुआ करना नए साल। अजित भाई, अजय भाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए और फैमिली के लिए। और कुछ है कोई दुआ के लिए? ओके अजय भाई, ओवर टू यू। ओके थैंक यू। आइए हम फिर से एक बार परमेश्वर के पास जाए और हमारे शीश झुकाएंगे। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए प्रभु जी, आपके सेवक के द्वारा प्रभु जी, आपके वचनों के द्वारा आपने जिस तरह से हमसे बात की इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उस वचनों के द्वारा हम लोग जो बातें सीख सके उसके लिए हम प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम ये नया साल आपकी कृपा और आशीर्वाद के द्वारा देख सके प्रभु जी, इसके लिए भी प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिछला साल काफी कठिनाइयों से भरा हुआ रहा, लेकिन प्रभु जी आप जो कल थे वही आज है और वही कल रहने वाले हैं, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। क्योंकि आपका इस धरती पे आना वो तो बुराई को दूर करने के लिए था प्रभु, जैसे आज हमने सीखा प्रभु जी, और सारी बुराइयां जो हमारे आजू बाजू में है प्रभु जी, हम आपके नाम में प्रभु जी वो दूर हो ऐसा हम मांगते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी पूरी दुनिया के ऊपर कोरोना की जो महामारी छाई हुई है प्रभु जी, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस कोरोना की बुराई को प्रभु जी आप इस दुनिया में से दूर करो प्रभु जी। नया साल प्रभु जी हमारे लिए एक नया बन के आए, सही में नया बन के आए। जो सारी बातें पिछले साल जो हमारे आजू बाजू बाजू हमेशा रही प्रभु जी, सारी बुरी बातें हमारे में से दूर हो जाए प्रभु जी। और प्रभु जी हम लोग एक फ्रीडम की तरह प्रभु जी इस दुनिया में जीने फिर से स्टार्ट करें प्रभु जी, ऐसा हम मांगते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम इस गवर्नमेंट के लिए मांगते हैं प्रभु जी, इस गवर्नमेंट जो ट्राई कर रही है वैक्सीन के द्वारा प्रभु जी, और जितने भी मेडिकेशन के द्वारा प्रभु जी इस बुराई को दूर करने के लिए प्रभु जी, इसके पीछे हम प्रभु जी आपके आशीर्वाद मांगते हैं प्रभु जी। आपके द्वारा प्रभु जी सब कुछ सही हो ऐसा हम मांगते हैं प्रभु जी। वैक्सीन सबके लिए जो मतलब उपयोगी हो प्रभु जी, और उसकी इफेक्ट प्रभु जी पॉजिटिव हो सके ऐसा हम मांगते हैं। हम NHS के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, NHS जितने भी कोरोना के बेड्स बनाए हुए हैं प्रभु जी, सारे जो पेशेंट्स हैं वहां पे
उन सब के लिए मांगते हैं प्रभु जी, पूरे स्टाफ के लिए मांगते हैं, उनकी फैमिलीज के मांगते हैं, सबको प्रभु जी आप संभालो। और प्रभु जी और ये जितने भी पेशेंट है प्रभु जी, वो सब प्रभु जी तंगे होकर प्रभु जी अपने घर अपनी फैमिली के पास वापिस जाए, ऐसा हम मांगते हैं प्रभु जी। हम सब जो भी एनएचएस में काम कर रहे हैं प्रभु जी, हम सबको संभालो प्रभु जी, और जितना भी हो सके हम प्रभु जी इसके लिए हम उपयोगी पात्र बने, ऐसा हम मांगते हैं प्रभु जी। इस गवर्नमेंट के लिए मां खास प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब हम EU में से बाहर निकले हैं तो प्रभु जी इस गवर्नमेंट को प्रभु जी आगे की इकोनॉमी हैंडल करने के लिए प्रभु जी आप आशीर्वादित करो प्रभु जी, ऐसा मांगते हैं। पूरी दुनिया में प्रभु जी आज जो भी प्रॉब्लम्स है, कहीं पे भूकंप हो रहे हैं, फ्लड है, इन सारे चीजों के लिए प्रभु जी हम आपका आपका आशीर्वाद मांगते हैं प्रभु जी। इन सबको संभालो प्रभु जी, और प्रभु जी जहाँ पे भी आपका नाम प्रभु जी फैलाया जा रहा है प्रभु जी, उन सब सेवकों को आपके आगे लाते हैं प्रभु जी, उनकी फैमिलीज को संभालो प्रभु जी, ऐसा हम मांगते हैं प्रभु जी। हम रेवरेंड अजय के अजय मोरे के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपके सेवक के द्वारा प्रभु जी काफी लोग प्रभु जी आपके विश्वास में आए, ऐसा हम मांगते हैं प्रभु जी। हमारे रेवरेंड एली एंड स्टीव टेलर के लिए मांगते हैं, उनकी फैमिली के मांगते हैं प्रभु जी उनको भी आप संभालो प्रभु जी, उनके साथ और पास प्रभु जी। हम पता नहीं हम कब फिर से प्रभु जी हमारी कलीसिया हम इकट्ठे होके आपकी वर्शिप कर सकेंगे, लेकिन प्रभु जी हम सबको संभालो, और प्रभु जी इस माध्यम के द्वारा प्रभु जी हम एक दूसरे से जुड़े रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, ऐसा हम मांगते हैं। हमारे विश्वास में कभी भी कमी ना आए प्रभु जी, ऐसा हम मांगते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी इस हफ्ते में प्रभु जिन लोगों की प्रभु जी जन्मदिन आए हैं प्रभु जी, उन सबको हम याद करते हैं। जोयल के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई सुनील के लिए और उसके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी उनके जीवनों में जो आपने नया जीवन नया एक साल दिया है, उनके लिए आशीर्वादित करो प्रभु जी, और प्रभु जी उनके जीवन के द्वारा प्रभु जी आपको मान और महिमा मिले, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। सिस्टर केया के फादर के लिए प्रभु जी, राणा अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में भी आपने एक नया साल दिया है, उनके लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनकी हेल्थ को आप संभालो प्रभु जी, और प्रभु जी हमेशा आपके विश्वास में वो मजबूत रहे प्रभु जी, और हेल्थ में भी काफी मजबूत रहे, ऐसा हम मांगते हैं प्रभु जी। मनीषा सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, आने वाले दिनों में उनको भी आप उनके जीवन में एक नया साल दे रहे हो, तो प्रभु जी उनके जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारी कलीसिया में उनकी जो सेवाएं हैं उनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, सिस्टर को ज्यादा से ज्यादा प्रभु जी आप आशीर्वादित दो, और प्रभु जी हमारी मिनिस्ट्री के लिए वो ज्यादा ज्यादा उपयोगी बने, ऐसा हम मांगते हैं प्रभु जी। गायत्री की जो सिस्टर इन लो है दर्शना के लिए, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो जब भी जॉब पे जाती है तो प्रभु जी शैतान किसी न किसी तरीके से प्रभु जी उसको रोक रहा है प्रभु जी, उसको जो वॉमिटिंग और डिजीनेस की जो प्रॉब्लम है हम यीशु नाज़री के नाम में अभी भी तोड़ते हैं प्रभु जी, और वो सारी प्रॉब्लम उसकी दूर हो प्रभु जी, वो अच्छे से जॉब पे जा सके प्रभु जी, वो आपके वचन के द्वारा प्रभु जी आपके विश्वास में भी आ सके प्रभु जी, ऐसा हम मांगते हैं प्रभु जी की। हम पीकू के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आने वाले हफ्ते में उसका भी एक उसके जीवन में भी एक नया साल आ रहा है प्रभु जी, उसके जीवन के लिए प्रभु जी उसको आपने जो टैलेंट दिए हैं उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता है, और प्रभु जी आपकी बच्ची उस अपने टैलेंट को प्रभु जी आपकी महिमा के लिए जी महिमा के लिए प्रभु जी उपयोगी कर रही है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसकी पढ़ाई के लिए भी प्रभु जी हम आपके आशीर्वाद मांगते हैं प्रभु जी। हम पूरी कलीसिया के लिए, हमारी हर एक फैमिली के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम सबको संभाले रखना प्रभु जी। आने वाले दिनों में प्रभु जी हमारे सामने कुछ भी चैलेंजेस हो, लेकिन प्रभु जी हम आपके विश्वास में हमेशा ने हमेशा मजबूत रहे प्रभु जी, आपके वचनों के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े रहे, प्रार्थनाओं के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहे प्रभु जी, और प्रभु जी हम आने वाले दिनों में एक अच्छा दिन प्रभु देख सके, ऐसा हम मांगते हैं। ये जो कोई प्रार्थना है सारी हम हमारे तारनार प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांग रहे हैं, मानिए सुनिए और संभालिए। आमेन। थैंक यू अजित भाई। और जिन जिन लोगों के लिए प्रार्थना किए, विश्वास रखना कि जो भी प्रार्थना किए प्रभु ने सुनी है और प्रभु सबको आशीष देंगे, तो प्रभु आपको सबको आशीष दे। और अब अभी आगे बढ़ते हैं और हम फाइनल सॉन्ग्स में जाएंगे अभी, और फाइनल सॉन्ग्स हमारे होट्स पॉल भाई एंड फैमिली लेकर आ रहे, पॉल गवारे एंड फैमिली, ओवर टू यू। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जस्ट आखिर का गाना है, प्रभु यीशु को हम इस नए साल में नए रीति से हमारा सरेंडर करेंगे, हमारा समर्पण करेंगे प्रभु यीशु का, प्रभु यीशु को
जो हमने आज जो संदेश सुना है कि प्रभु यीशु का जो जन्म है अपने दिल में करेंगे और एक नए रीति से प्रभु को अपने आप को उसके हाथों में देंगे। और मेरी विनती है कि हम अपने सब आंखें बंद करके अपने दिलों को, अपनी आत्माओं को, अपने विचारों को प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे और प्रभु को, उस बालक को इस नए रीति से नए बरस में उसको हम स्वीकार करेंगे। और आपको सबको एक गाना पता है, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगवाई कर।
प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम देखते हैं कि संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, गया साल हमारे था काफी कठिनाई मुश्किल से गया था, लेकिन फिर भी प्रभु परमेश्वर ने हमें अच्छी तरह से संभाला और ये जो नया साल 2021 हमको दिखाया है। मैं मोरे और गवारे फैमिली से आप सब को, CFA फैमिली को ये आने वाला नया साल आशीर्वादित और आप सब के लिए काफी प्रेरणाएं और उत्साह लेके आए। और जिस तरह से परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाला है, हम दोनों फैमिलीज मिलके ये दुआ मांगते हैं कि आप सबको भी और हमको भी ये आने वाले साल में प्रभु परमेश्वर संभाले और आगे लेके चले। थैंक यू। थैंक यू पॉल भाई, मनीषा बेन, वॉज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, बहुत अच्छा सॉन्ग था, उसका मीनिंग बहुत अच्छा था। वैसे ही बस हमें प्रभु के हाथ में देना है कि प्रभु हमें संभाले जो भी सिचुएशन आए, लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर हमें संभालता है। क्योंकि भाई ने जैसे बताया कि पिछले साल में बहुत मुश्किलें आई, बहुत तकलीफें आई, लेकिन ये दिन हमें देखने मिला क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमें हमारी प्रार्थनाओं सुनता है और हमें सुरक्षित रखता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और थैंक यू तीनों फैमिली के आप लोगों ने हमें कैरल में इनवाइट किया और आपने बहुत अच्छे गाने भी गाए। थैंक यू सो मच तीनों फैमिली के लिए, नीमा बेन, रेवन अली, थैंक यू वेरी मच, पॉल भाई, मनीषा बेन एंड ऑल फैमिली, थैंक यू। और खाना बाकी रहेगा, हम अभी नेक्स्ट ईयर हम डबल खाएंगे, नेक्स्ट ईयर 2% या वी 2% या 4%, ओके, पॉल भाई बोलता है 4%, ओके। एक बार हम प्रभु यीशु मसीह की जय बोलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं खुद भी भूल गया था जय बोलाने के लिए, क्योंकि ये गाना सुनकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। और हम एक साथ अपने घर में बैठकर जब भी मैं बोलूंगा कि प्रभु यीशु मसीह की आपको जय बोलना है, तो ये तीनों घर में आवाज जानी चाहिए, ऐसे जोर से बोलना है, या बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। थैंक यू, प्रभु का धन्यवाद। अभी हम हमारी सर्विस के हम आखिर में आ गए हैं और हम लॉर्ड्स प्रे में जाएंगे। और मैंने कुछ बताया था आगे ने, कुछ सरप्राइज के बारे में बताया था ना, अभी भी थोड़ा वेट करो, वो सरप्राइज के बारे में दो मिनट और वेट करो, बहुत अच्छी सरप्राइज है। हम लॉर्ड्स प्रे में पहले जाएंगे और लॉर्ड्स प्रे में मैं नीमा बेन को इनवाइट करता हूँ। नीमा बेन, आप हमें लॉर्ड्स प्रे में लीड करें, ओवर टू यू नीमा बेन। थैंक यू अनिल भाई। तो हम लॉर्ड्स प्रेयर में जाएंगे, परमेश्वर की प्रार्थना सिखाए लिए हम सब साथ में करेंगे, अपने अपनी भाषा में सर झुका के। हो आकाश माना हमारा पिता, तमार नाम पवित्र मनाओ, तमारा इच्छा हो जेम आकाश में तेम पृथ्वी पर, तमारी इच्छा पूरी थाय, दिवस नी रोटली आज अमने आप, जेम अमारा ऋण माफ करिया छेम, तमे अमारा ऋण तमे माफ करो, पण अमने परीक्षा में मत नाखो, गुंडा थी छुटकारो करो, आकाश नु राज्य तथा पराक्रम तथा महिमा सर्वकाल सुधी तमारा छे, आमेन। आमेन आमेन आमेन। अनिल भाई, हां जी, to disturb you please, I'm extremely sorry. सलाम गाना गाने से पहले हम लोग जिन लोगों का बर्थडे है उनके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाएंगे प्लीज। तो मनीषा एंड फैमिली इज देयर, मनीषा, और नहीं मनीषा का ही है तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा, और कोई है? एक मिनट भाई, किया सिस्टर एंड साम भाई। हाँ, किया और साम प्लीज। भाई मैं ये करने वाला था लेकिन वो भी नहीं, मैं बात करने वाला था लेकिन आपने अभी बोल दिया तो पहले कर लेते हैं। किया के भी डैड की बर्थडे है ना, तो वो भी तो
कौन कर सकते फिर हस्ती हस्ती एंड फैमिली हस्ती या नहीं हस्ती करेगी नहीं तो मैक भी है मैक और टीना अगर हो तो मुझे लगता है ठीक है हस्ती हस्ती एंड शिरुपा बेन प्लीज हस्ती एंड फैमिली वो गाना गाए प्लीज हैप्पी बर्थडे फॉर एवरीवन Praise the Lord, everyone. Let us all gather together and sing our birthday songs for whoever's birthday it is. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear everyone. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, everyone. Happy birthday to you. Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Thank you, Asti and Sirupa Ben. अभी हम सरप्राइज में जाएंगे आप लोग को सबको सरप्राइज चाहिए ना जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था एक सरप्राइज है आज का सरप्राइज ये है कि हमारे सुनील भाई का बर्थडे है और मैं जेनिस भाभी को ओवर करता हूँ कि जेनिस भाभी आप सरप्राइज खोलिए Thank you, Anil Bhai. 1 minute. Where's the knife? So? Looks pretty good. Okay. थैंक यू एवरीवन कि हमारे एक छोटे फंक्शन में आप सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं आज आई एम सो हैप्पी कि आज सुनील का बर्थडे है और एज अ फैमिली हम लोग आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं थैंक यू सो मच आप हमारे इस छोटे फंक्शन में आप ज्वाइन हो सकते हैं लेट्स गोना प्ले द सॉन्ग नाउ थैंक यू बड़ी आज अभी मेरे को मालूम पड़ा क्या क्रेडिट कार्ड क्यों मांग रही थी मेरा ये थैंक यू मच एवरीबॉडी आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने पूरी साल जहाँ जब कहीं मेरे को तकलीफ पड़ी एक फैमिली की तरह आपने मेरे को दुआ में रखा उसके लिए धन्यवाद करता हूँ और हमेशा आप मेरे को प्रेयर में रखते हो जब भी जरूरत पड़ती है तो एक फैमिली की तरह आप खड़े रहते हैं क्योंकि हमारी यहाँ पर कोई फैमिली नहीं है लेकिन CFA को हम एक फैमिली मानते हैं और है मानना नहीं वो है ही फैमिली तो उसके लिए धन्यवाद करते हैं थैंक यू वेरी मच भाई
Thank you, Anil Bhai. Over to you. Thank you, Janice Bhabhi. Janice Bhabhi ने मेरे को फोन करके बताया था, क्योंकि Janice Bhabhi को पता चला मैं लीड कर रहा हूँ, तो उसने बताया था कि मैं सुनील को पता नहीं है और हम केक लेके आए तो उसको सरप्राइज देना है, तो ये हमारा सरप्राइज था, इसलिए सुनील भाई को ये सरप्राइज देना था। और सुनील भाई पार्टी बाकी है या हमारे लिए या चिकन करी बाकी है आपकी? भाई सुनाई नहीं दे रहा, कुछ नेटवर्क का इश्यू आ रहा लग रहा है। ओके कोई बात नहीं, हम घर पे आ जाएंगे भाई, सुनाई नहीं दे रहा है तो घर पे आ जाएंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। अभी हम हमारा हमारा जो स्पेशल सॉन्ग है सलाम में जाएंगे, और मैं सुनील भाई को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें सलामी में ले जाए और तीनों घरों के बारे में, तीनों घरों में जाके हम सलामी सॉन्ग गाए। थैंक यू वेरी मच, हम पढ़ाओ क्या कैरल्स के आखिरी में आ गए हैं, सबने खाना वाना खा के रेडी है सब लोग। रॉड भाई रेडी हो ना आप? हर पड़ से हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। अवसर आवे आवे रे वारंवार, 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 आयो रे प्रभु भजन माव जो, आयो रे प्रभु भजन माव जो, बैनो रे प्रभु भजन माव जो, बैनो रे प्रभु भजन माव जो, जगनी चिंता राखो नहीं रे बगार, जगनी चिंता राखो नहीं रे लगार, तो राखो रे प्रभु भरोसो राख जो, राखो राखो रे प्रभु भरोसो राख जो, सर आवे आवे रे वारंवार, सर आवे आवे रे वारंवार, धर्म सभाई तमने ना तालनी प्रेमी सलाम, नीमा बेन तमने ना तालनी प्रेमी सलाम, विजया बेन तमने ना तालनी प्रेमी सलाम, ध्रुविक तमने ना तालनी प्रेमी सलाम, दक्ष पॉल बनी बोलूंगा क्या बोलूंगा, आहो तमने नाताली प्रेमी सलाम, बनी साबे तमने नाताली प्रेमी सलाम, स्तुति तमने नाताली प्रेमी सलाम, महिमा तमने नाताली प्रेमी सलाम, प्रीति तमने आंटी तमने नाताली प्रेमी सलाम, शिव तमने नाताली प्रेमी सलाम, क्रेस तमने नाताली प्रेमी सलाम, जोई तमने नाताली प्रेमी सलाम, नाताली साते नवा वर्ष
भाई तथा फैमिली ने, अजय भाई तथा फैमिली ने, रेवरन एली स्टीव तथा फैमिली ने, धर्मेश भाई, नीमाबेन तथा फैमिली ने नाताल तथा नववर्षनी प्रेमी सलाम, प्रेमी सलाम, प्रेमी सलाम. थैंक यू सुनील भाई, इसके बगैर तो हम अधूरे हैं भाई. प्रभु आपको आशीष दे और हर साल हमारे लिए ये गाना गाते रहे और प्रभु आपको और मजबूत बनाए. आखिर में हम पहुंच गए हैं और मैं फिर से अपने पूरे सीएफए फैमिली की तरफ से आप सब लोग को नए साल की खूब खूब हार्दिक शुभकामना देता हूँ. हैप्पी न्यू ईयर. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये नए साल में परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक आनंददायक, एक आशीष समृद्धि का आशीर्वाद मिले और हमें यीशु मसीह में बढ़ने का और उसके उद्धार में चलने का हम ढेर सारी ताकत मिले. इसके लिए हमें दुआ करता हूँ और आप सबको आशीष दे, प्रभु सबको आशीष दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है. और अभी हम लास्ट में आखिर में हम ब्लेसिंग में जाएंगे और मैं रेवरेंड अली को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें ब्लेसिंग में लेके जाए. रेवरेंड अली, थैंक यू. सो लेट्स प्रे. मे गॉड द फादर हु लेड द वाइज मैन बाय अ शाइनिंग स्टार टू फाइंड द क्राइस्ट द लाइट ऑफ लाइट्स लीड यू on your life to find more and more about Father God and Jesus his Son and Holy Spirit. May the blessing of God Almighty, Father, Son and Holy Spirit be with you and everyone you are praying for today and always. Amen. Thank you, Reverend Ali. Yahan pe hamari service khatam hoti hai. Agar aap sab log apna